के महारथी हिरण्य रक्षक, वे परेशान हैं, कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियाँ भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल।
अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है। छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है, ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? Thank you.
नदियां बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगा को पता नहीं लगना चाहिए। हमारे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच। ओह! ओह!
मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। ये चालाक लोगों की जगह है, ये पंचक्कियां, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती है, इसमें कोई शक नहीं ये चालाक है। भगवान विष्णु, इसमें शक्तियां केंद्रित हैं, और अब ये रंगदा के हाथों में है। मेरे साथ मादुर्गा है। Thank you.
बात कीजिए, क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं, और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा है और उन्हें आजाद कराया जा सकता है। यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता, महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की मां बने। विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने हजार अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस दो अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी, और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया।
इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है। मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी, शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियाँ बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए।